वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रा आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ पेंटागोनल पिरामिड हैविंग इट्स बेस इज 30 mm एंड इट्स हाइट इज 70 mm। तो ये जो पेंटागोनल पिरामिड है ये 30 mm साइड वाला पिरामिड है और इसकी हाइट है 70 mm। तो हम ड्रा करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ। अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं हम बनाने के लिए, तो जो भी सिंपल इजीस्ट मेथड है वो मैं बताता हूँ आपको। सर्कल मेथड से आप पेंटागन ड्रा कर सकते हैं, एंगल बना के कर सकते हैं। तो इसका अंत्य कोण होता है 72 डिग्री आउटर साइड से और इनर साइड से होता है 108 डिग्री। तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया 30 mm की और दोनों पाइन से ये जो लाइन बनाया उसके दोनों सिरे से एंड पॉइंट से मैं 72 आउटर से और इनर साइड से 108 डिग्री का मार्किंग किया। अब वहाँ पे मैं 30 mm ड्रा करूँगा 30 mm की साइड जो मार्क पॉइंट किया है उसके ऊपर। ये 30 mm ये जो व्यू बना रहा हूँ मैं, ये टू डायमेंशनल व्यू है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ये है। इसके ऊपर से आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना पड़ेगा, तो ये बनाना जरूरी है आपको। और ये बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि इसका सेंटर, इसका बॉक्स भी बनाना पड़ेगा। ये 30 mm की लाइन ड्रा किया, इसे पार्ट बनाया। मैं आपको जो जो मेथड है वो मेथड बताऊंगा। इसमें दो मेथड किस तरीके से बनाया तो कैसे आएगा व्यू ये बताऊंगा। एक आर्क मार के एक पांचवा पॉइंट मिलाएंगे हम। अभी 4 पॉइंट मिल गए थे, पांचवा पॉइंट के लिए हमें एक आर्क मारना पड़ा और आर्क बना दिया मैंने। अब इस प्रकार से हमने पेंटागन बनाया। अब इस पेंटागन के लिए हमें बॉक्स भी बनाना है। तो लाइन ड्रा करेंगे, इसे बॉक्स बनाएंगे, ये बॉक्स पेंट होगा आपका और इस बॉक्स का यूज करके हम आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके से मैं बॉक्स बना रहा हूँ और ये बॉक्स का यूज करके आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे हम। इस तरीके से एक स्क्वायर बॉक्स बना दिया है। अब ये बॉक्स बन गया है, जो भी रहेगा स्क्वायर रहेगा, रेक्टेंगुलर रहेगा, जो भी बनेगा। अब इसे नाम देंगे ए बी सी और ये डी। बाद में जो आपने पॉइंट बनाया था, जो पेंटागन बना था उसे नाम देंगे। इसे नाम देता हूँ मैं पी, ये क्यू, ये आर, ये एस और ये टी पॉइंट। अब ये नाम दे दिया। अब इसे मैं मेजरमेंट मतलब डायमेंशन भी दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डायमेंशन लाइन ड्रा करता हूँ और यहाँ पर भी डायमेंशन लाइन ड्रा करता हूँ और शो करूँगा ये 30 mm। तो ये लाइन एरोहेड 3:1 के हिसाब से बना के मैं यहाँ पे 30 mm शो करता हूँ। ये 30 mm की लाइन जो पेंटागनल पिरामिड की
बाजू रहेंगी, साइड रहेंगी। अब हमें आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना है। आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाते समय अगेन आपको ये ध्यान रखना है कि 30 डिग्री में दोनों साइड में आपका जो भी बॉक्स बनाएंगे ये एक एक्सिस और जेड एक्सिस की तरफ लाइन खींचेंगे और बॉक्स बनाएंगे। अब ये बॉक्स बनाते समय आप लाइन जो ड्रा करेंगे वो मीडियम थिन लाइन होना, और जहां पर पेंटागन बनेगा वो रहेगा आपका ठीक लाइन से। ये पॉइंट लोकेट करते जाना है आपको, एक एक पॉइंट लोकेट करेंगे हम। अब इस प्रकार से मैंने दूसरी लाइन भी यहाँ पे ड्रा किया। वो लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पे जो लाइन ड्रा कर रहा हूँ राइट साइड में ये लाइन रहेंगी आपकी एक्स एक्सिस, ये रहेगा आपका जेड एक्सिस, और स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा ओरिजिन मतलब लेफ्ट साइड पॉइंट से आप स्टार्ट करते आइसोमेट्रिक व्यू बनाते समय हमें नेचुरल स्केल का यूज करना है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब मैं बी पॉइंट को लोकेट करता हूँ, एक एक पॉइंट लोकेट करते जाता हूँ। अभी आप ध्यान से देखिए, ये पॉइंट से मैं यहाँ पर ऐसा मार्क करूँगा, जो भी जितना भी डिस्टेंस है यहाँ पर एक्यूरेसी मेंटेन करना जरूरी है, नहीं तो थोड़ी थोड़ी एरर आएंगी। तो ये बी पॉइंट बनेगा ये पॉइंट से, इस बाजू में आर्क मारता हूँ। बाद में ये पॉइंट, ये जो डी पॉइंट बनेगा, ये डी पॉइंट का डिस्टेंस आर्क मार के इधर से बनाना पड़ेगा, तो ये रहेगा आपका इस साइड में। ये ऐसे दो पॉइंट मिल गए आपको, तो एक डी पॉइंट से आपको बनाना पड़ेगा, ये पॉइंट से बी पॉइंट इधर होगा, इसे हम मार्किंग कर देते हैं। अब नेमिंग करेंगे, यहाँ पर डी पॉइंट होगा, ये से डी मिला बी मिला। अब सी पॉइंट के लिए मुझे जाना है ये डी से सी का डिस्टेंस, यहाँ से बॉक्स का डिस्टेंस मैं लूँगा और यहाँ पे एक आर्क मारूँगा। वैसे सेम बी पॉइंट से सी पॉइंट का डिस्टेंस लेके यहाँ पर आर्क मारूँगा। तो ये आपको आइसोमेट्रिक बॉक्स का एक चौथा पॉइंट मिल गया है सी पॉइंट, इसे हम जोड़ेंगे इसे भी जोड़ दिया है, ये होगा आपका सी पॉइंट। अब ये बी सी और डी पॉइंट मिल गए, आपको लोकेट करना है एक एक पॉइंट। ये बी पॉइंट के ऊपर आपका जो रहेगा पी पॉइंट। बाद में एक और चीज करना है आपको, इसका सेंटर मतलब सेंट्रल एक्सिस ड्रा करने के लिए जो इसकी हाइट बताना है आपको, वो हाइट बताने के लिए आपको जरूरी है कि ये जो पॉइंट रहेगा ये ऑर्थोग्राफिक तो बनाया है, यहाँ से आप इस पॉइंट से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, दूसरा एक अपोजिट वाला कोई भी पॉइंट लेता हूँ उसके ऊपर से भी मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, तो आपको इसका सेंटर मिल जाएगा और वो सेंटर आपको लोकेट करना पड़ेगा। वही सेंटर आपका यहाँ पर बनने वाला है। अब जो भी सेंटर बनेगा वहां से एक एक पहले तो आप ये पॉइंट लोकेट कर दीजिए। ये और बी पे है आपका पॉइंट, तो पी पॉइंट ये मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे होगा ये पी पॉइंट होगा। अगेन आपका बी और सी में है क्यू पॉइंट, तो उसे ड्रा कर देंगे ऐसे पकड़ेंगे डिस्टेंस, और बी और
सी पे जो पॉइंट रहेगा ये पॉइंट यहां पर रहेगा। बाद में आपका सी और डी में आर पॉइंट है, सी और डी में आर पॉइंट है, इसे मार्क कर देंगे। वैसे डी और एस वाला जो पॉइंट है या फिर डी से एस पे पॉइंट होगा। अगेन ये और डी में ये टी पॉइंट होगा, उसे हम मार्क कर देंगे ये और डी में। अब ये जो भी फिगर जो बनेगी आपकी इस प्रकार से बनने वाली है। अभी यहां पर ये ड्रा करते समय और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कौन से पॉइंट दिखेंगे और कौन से पॉइंट नहीं दिखेंगे। यहां से जब देखती तो ये पॉइंट दिखेगा, ये पॉइंट दिखेगा, ये पॉइंट दिखेगा, आपको ये पॉइंट नहीं दिखेगा, तो उसे हमें बनाना पड़ेगा। ये जो पॉइंट रहेगा ये डॉटेड लाइन से बनाना पड़ेगा आपको। ये लाइन भी रहेंगी, ये डॉटेड लाइन से बनेगी। पेंटागन इस प्रकार से बन गया। अब हमें और एक चीज ध्यान देना है, जो मिड पॉइंट हमने यहाँ पे लोकेट किए थे, ये मिड पॉइंट के ऊपर आपको 70 mm जाना है स्ट्रेट, और स्ट्रेट जाते समय यहाँ पे ड्रा करेंगे सेंटर लाइन से, सेंटर लाइन से ड्रा करेंगे। और ये होगी आपका एक्सिस इस पिरामिड का। अब ये लाइन दिखेंगी, तो ये लाइन जो दिखने वाली है, जो पॉइंट दिखने वाले हैं, ये पॉइंट आप ड्रा करोगे कंटिन्यू लाइन से। ये भी लाइन आपका मतलब ये पॉइंट दिखेगा, ये आपको कंटिन्यू लाइन ड्रा करना पड़ेगा। ये लाइन भी आपको दिखेंगी, ये लाइन भी कंटिन्यू ड्रा करना है। ये भी आपको पोर्शन दिखने वाला है, इसे भी आप कंटिन्यू ड्रा करोगे। और ये पोर्शन जो मतलब ये पॉइंट जो दिखने वाला है, ये आपका पॉइंट रहेगा हिडन लाइन से। तो ये तीन लाइन यहाँ पर हिडन लाइन आएंगी। नेमिंग करेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा आपका पी पी पॉइंट, ये हो जाएगा क्यू पॉइंट, ये हो जाएगा आर पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका एस पॉइंट, और ये हो जाएगा टी पॉइंट। अब यहाँ पर आप हाइट शो कर सकते हैं। हाइट आप सेंटर जो बनाए हैं आपने वहां से आप यहाँ पर शो करेंगे, ये आपकी हाइट हो जाएंगी। और ये हाइट है 70 mm, यहाँ पर 70 mm दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से ये पेंटागोनल पिरामिड बन चुका है। पेंटागोनल पिरामिड का आइसोमेट्रिक व्यू बन गया है ये। तो ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और अपने जरूरतमंद जो फ्रेंड सर्कल हैं उसमें शेयर जरूर कीजिए।